प्याज, ये बारीक कटा हुआ हरी मिर्च, मैं हूं मीनू, मेरे चैनल एमके में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूं ये आलू का पराठा, और ये विंटर स्पेशल है, विंटर में इसे बहुत खाया जाता है। और मैंने इसे आपको टमाटर की चटनी और धनिया की चटनी के साथ सर्व किया। चलिए इसको हम बनाना शुरू करते हैं। आलू का पराठा बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 300 ग्राम ये आलू लिया है, और इसको सबसे पहले हम बॉयल करेंगे। अब हम कुकर में आलू को डाल के बॉयल करेंगे। अब इसमें एक गिलास पानी डालेंगे और दो से तीन विसिल इसमें हम लगवाएंगे। दो से तीन विसिल लगवा लिए हैं और मेरा आलू भी अच्छे से बॉयल हो चुका है। अब हम इसको इसके स्किन को पील कर लेंगे और उसके बाद इसको हम मैश करेंगे। आलू को मैश कर लिए हैं, चलिए हम आटा लगाते हैं। आटा लगाने के लिए मैंने यहाँ पर 2 कप आटा लिया है, तो ये 1 कप, दूसरा कप। पैन के लिए सबसे पहले यहाँ पे हम 2 से 3 बड़ी चम्मच यहाँ पे ऑयल डालेंगे और स्वाद अनुसार इसमें नमक डालेंगे। 1 बड़ी चम्मच ये आपको अजवाइन है, हाथ में लेके इसको हल्का सा थोड़ा क्रश कर लें और इसमें डाल दें। ये आधी छोटी चम्मच कलौंजी है, मिक्स कर दें। के अच्छे से मिक्स कर दिए हैं। अब हम पानी डाल के इसका आटा का डो तैयार करेंगे। तो आप आटा का डो जिस रोटी का आप रखते हैं वैसा ही आपको रखना है, लेकिन उससे थोड़ा सा कड़ा आपको इससे रखना है, रोटी के डो से। तो मेरा तैयार हो गया और इस तरह का आटा आपको रखना है। चलिए आलू में ये सब मिक्स कर देंगे। प्याज, ये बारीक कटा हुआ हरी मिर्च, चॉप किया हुआ ये धनिया, और बारीक कटा हुआ ये अदरक है। सबको मिला के अच्छे से इसको हम मिक्स कर देंगे। ये 1 बड़ी चम्मच ये अजवाइन है, इसको हाथ में लेके हल्का सा थोड़ा सा क्रश कर लें और इसमें डाल दें। आधी छोटी चम्मच ये कलौंजी है, स्वाद अनुसार नमक। सबको मिला के अच्छे से मिक्स कर दें। तैयार हो गई, चलिए अब हम आलू का पराठा बनाते हैं। बॉल्स निकाल लेंगे, पहले आप बॉल्स इससे काट लें, गोल कर लें, और इसको डस्ट आटा से डस्ट कर लें और इसको थोड़ा चिपटा करके इसको गोल गोल पहले आप ये तैयार कर लें। इस तरह से आपको करना है, ये आलू का फिलिंग इसमें ले और फिल कर दें, प्रेस कर दें, आप घुमाएं और थोड़ा सा हाथ में आटा लगा के आप इसके ये जो ऊपर का हिस्सा का आटा है आप इसको अलग कर लें और इसको गोल गोल घुमा लें और हल्के हाथ से इसको प्रेस कर दें। इसमें थोड़ा सा आटा लगा के हल्का हाथ से इसको आप हल्का पहले प्रेस कर लें। जितनी बड़ी हो या छोटी हो आप अपने हिसाब से पराठा रखें, उसे आपको रखना है। इसी तरह से सारे पराठा को बना के हम तैयार कर लेंगे, क्योंकि अब इसके ऊपर से हमें ये पराठा डाल दिए। अब हम इसको एक पलट दें, गोल्डन ब्राउन हो गए। अब हम इसके ऊपर से घी लगाएंगे, तो आप यहाँ पे ऑयल या बटर भी आप यूज कर सकते हैं। दोनों साइड हम लगाएंगे, एक साइड ये हुआ और फिर इसको पलटते पराठे को, फिर इसके ऊपर से घी लगाते। ले लीजिए, मेरा पराठा बनके तैयार हो गया। अब इसको कोठा बनके तैयार हो गया, अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। देखिए पराठा बनके तैयार हो गया, चलिए अब हम इसका प्लेटिंग करते हैं। ये प्लेटिंग हम कर लिए हैं, ये आलू का पराठा और ये टमाटर की चटनी है और ये धनिया की चटनी के साथ हम इसको सर्व कर रहे हैं। तो ये रेसिपी आपको अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।